हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में हंगामा, अडानी ग्रुप पर लगे इल्जामों पर हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को मुलतवी करना पड़ा। माली घोटाले पर चर्चा जरूरी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, गरीब का पैसा चंद कंपनियों को दिया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की गई। तो लगातार ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर सदन में भी खूब हंगामा देखने को मिला और हंगामे के पेश नजर सदन की कार्यवाही को मुलतवी किया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा करने की मांग, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि माली घोटाले पर चर्चा करना जरूरी है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गौतम अडानी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में साफ कर दिया है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। सुनते हैं आपको क्या कहा खड़गे ने। ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है, और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित में, हित को ध्यान में रखते हुए, और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। को मुलतवी करना पड़ा, हंगामे की नजर चढ़ता हुआ नजर आया। कई मामलों को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन अपोजिशन इस बात पर अड़ गया कि माली घोटाले पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। गरीबों का पैसा चंद कंपनियों को दिया गया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए, और इस मामले को लेकर लगातार कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना। और इसी मामले को लेकर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब रजा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, लगातार इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं, अब क्या लग रहा है कि इस मामले को अपोजिशन मजीद उठा सकता है? पहले से अंदाजा था साहिबा कि जैसे ही आज दिन की शुरुआत होगी, संसद की कार्रवाई की शुरुआत होगी, हंगामा होगा। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से आई है हम तमाम नेताओं को सुन रहे हैं, खासतौर पर जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अडानी और अडानी की जो कंपनीज हैं उनको बचाने की सरकार ने पहले भी लगातार कोशिश की है और अभी भी लगातार उनको बचाया जा रहा है। ये आरोप अपोजिशन की तरफ से लगातार लगाया जाता रहा है। इसीलिए हमने देखा कि आज जैसे ही संसद की शुरुआत हुई, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, तमाम जो अपोजिशन के लीडर थे, क्योंकि सुबह के वक्त मीटिंग हुई और कांग्रेस हो, NCP हो, आम आदमी पार्टी, TMC, DMK, तमाम अपोजिशन पार्टीज एक साथ बैठी और ये रणनीति तैयार की कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही है और लोगों का पैसा डूबता हुआ दिख रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि हंगामा जब बढ़ा तो संसद की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन कांग्रेस ने, अपोजिशन ने ये मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की जाँच की जाए और जाँच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में हो, JPC के जरिए जो जो इन पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके जरिए इस पूरे मामले की जांच की जाए, इस तरह का मुतालबा किया गया है। हालांकि अभी कोई भी हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो रद्दअमल की बात है तो सरकार ये कहती रही है, और हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा था कि नियम के तहत अगर किसी मामले को उठाया जाएगा उसको स्वीकार किया जाएगा अध्यक्ष के जरिए, तो उस पर चर्चा से इनकार नहीं। लेकिन अभी चूंकि चाहे महामहिम राष्ट्रपति के जो अभिभाषण हुआ था उसके विश्वास प्रस्ताव की बात हो या फिर जो धन्यवाद जो प्रस्ताव उसको पेश करने की बात हो या फिर हम ये देखते हैं कि बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन इन तमाम चीजों पर चर्चा नहीं हुई। आज पूरे दिन जब भी संसद की कार्रवाई चली, हिंडनबर्ग जो मामला है उसकी रिपोर्ट जो आई उसके बाद से ही अडानी जो की कंपनी है उनको जिस तरह से नुकसान हुआ है, और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में टॉप 3 में अडानी का नाम संपत्ति के लिहाज से दुनिया भर में था, लेकिन टॉप 10 से भी वो बाहर हो गए। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है और अपोजिशन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार को इस मामले पे घेरा जाए। अपोजिशन के जो लीडर है वो ये भी कह रहे हैं कि LIC और SBI को लेकर जिस तरह से खबरें हैं कि यहाँ का पैसा भी अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, इस तरह की जो बातें कही जा रही है उन तमाम चीजों को लेकर भी क्लैरिटी चाहिए और संसद में इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा डूबने का जो खतरा है वो बढ़ गया है। और ये
तमाम चीजें हैं वो रात से बहुत ज्यादा शुरू हो गई क्योंकि लगातार जो खबरें हैं वो मार्केट से अच्छी नहीं आ रही है और आज सुबह के वक्त से ही लगातार इस मामले को लेकर हंगामा बरपा हुआ है।